Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 4 from exercise 2.1, page number 32 from NCERT. This says write the degree of each of the following polynomials. हमें की degree बतानी है. So degree basically होती है. Degree is highest power of variable. आपके पास equation में जो variable given है, उसके अंदर highest power क्या है? So, इस एक्सप्रेशन में 5x क्यूब नंबर 1 प्लस 7x. सो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल ये है x. x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 3. सो इसकी डिग्री हुई, हम सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, सो डिग्री इज 3. r सेकेंड विच इज 4 माइनस y स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है इसमें सिर्फ y. वेरिएबल इज y है और उसकी पावर है 2. सो हाईएस्ट डिग्री इज 2. सो डिग्री इज 2. नंबर 3 इज 5t माइनस 7. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है t, जिसकी हाईएस्ट पावर है 1. दैट मींस डिग्री इज 1. नंबर 4 इज 3. ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट से केस में हम कहते हैं डिग्री 0 है. ऐसा क्यों? अगर मैं इसके साथ लिखूं x 0, तो किसी की पावर जीरो हो, चाहे एक्स की पावर जीरो हो, चाहे वाई की पावर जीरो हो, चाहे टू की पावर जीरो हो, चाहे 100 की पावर जीरो हो, इट मीन्स 1. तो इसके बाद अगर मैं कोई वेरिएबल है पावर जीरो लिखूं, तब भी ये 1 बनेगा, मतलब 3 1 जा 3 ही रहेगा. सो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री वेरिएबल की क्या है? 0. दैट मींस कांस्टेंट से केस में हाईएस्ट पावर होती है 0. सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. Goodbye.